नाउ इन डिपेंडेंसी स्कूल हमारा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट काम आता है इस बार अब एजी फ्रैंक का काम जो है इसके थ्रू हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेज आता है विच इज द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट ये इनके काम को अगर हम एक लाइन में पूरा संक्षेप में फेज आउट कर सके। इफ देर इज वन लाइन विच ब्रीफली डिस्क्राइब्स द इंटायर आइडिया ऑफ फ्रैंक्स वर्ड फ्रैंक्स वर्क दैट इज डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट सो इफ यू एवर गेट अ क्वेश्चन ऑन डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट या इंटरनेशनल रिलेशन इज

राइट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही इंटर रिलेटेड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन अंडर डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द पेरिफरी रिमेन्स अंडर डेवलप्ड ये जो है फ्रैंक का आइडिया था क्योंकि उनके प्रॉफिट तब तक ही बढ़ेंगे जब तक वो जो दूसरे पेरिफ्री कंट्रीज है वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं होते वो बेचारे बस प्राइमरी गुड्स बेचते रहते हैं और इनसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो खरीदते रहते हैं राइट तो इनका यही मानना था कि ये जो कैपिटलिज्म है एट द सेंटर विच इज योर कोर कंट्रीज एंड पेरिफ्री ये दोनों ही डायनामिकली रिलेटेड है ठीक है डायनामिक रिलेशनशिप जो है Is leading कि जितने भी बेनिफिट होते हैं वो किसको जा रहे हैं इन कोर कंट्रीज को एंड बिचारे जो पेरिफ्री है इन फैक्ट वहां पर डेवलपमेंट क्यों क्योंकि पेरिफ्री नोके दिस पेरेफरी से क्या जा रहा है फूड रॉ मटेरियल बिचा बेसिकली ऑफ प्राइमरी गुड्स ठीक है और आपके कोर से क्या क्या जा रही है जितने भी इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं या फिर जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो कहां से जा रही है आपकी कोर से जिसको आप मेट्रोपोलिस भी बोल सकते हैं एंड पेरिफेरी जिसको आप सैटेलाइट भी बोल सकते हैं राइट नाउ व्हाट हैपेंस इज जैसे कि प्रेबिश ने हमको पहले ही बता दिया ये बेचारे प्राइमरी गुड्स के जो प्राइस है एक पॉइंट पे स्टैगनेंट हो जाते हैं और गिरने लगते हैं, जहां ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के, जो लेटेस्ट वैरायटी है वो बस बढ़ते ही जाते हैं राइट right? तो इमेजिन कीजिए कि एक पूरे ट्रक ऑफ क्रॉप का प्राइस नहीं मिलता होगा एक फार्मर को जितना एक प्रोबेबली आईफोन 12 प्रो मैक्स कॉस्ट करता है राइट दैट इज द पावर ऑफ कोर के आपको वो बेच रहा है और लोग खरीद रहे हैं बट आप कैसे हो हो, रहे पे फॉर इट वो आपको कभी समझ में आईफोन नहीं निकल के आ रहा तो इंडिया का बेचारा मैक्स भी बंद हो जाता है वेर इज ऑन द अदर हैंड आईफोन जस्ट बिकम्स अ बिगर एंड बिगर कंपनी एंड मेक्स प्रॉफिट इवन इन ह्यूज स्केल प्रॉफिट इवन इन The year when, जब पूरी इंडस्ट्री के ऊपर जो है एक डाउन चल रहा है एक लो पॉइंट चल रहा था ठीक है तो इसलिए क्या होता है कि क्योंकि हम में कभी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप ही नहीं होने रहते तो हम परपेचुअली ही कोर पर डिपेंडेंट रहते हैं इन इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए अब इंडस्ट्रियल गुड्स के बिना तो हम रह ही नहीं सकते आईफोन छोड़ो रेफ्रिजरेटर्स कार्स माइक्रोवेव्स इन सब के बिना हम रह ही नहीं सकते और ये सब कहा से आ रहा है कोर कंट्री से आ रहा है एंड देयरफॉर वी आर परपेचुअली टाइड इन दिस डिपेंडेंस ऑन द कोर जिसके कारण हम जो है और भी ज्यादा अंडर डेवलप होते जाते हैं एंड दिस इज व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट जो कि पेरीफेरी के अंदर हो रही है दैट एजी फ्रैंक ट्राइज टू पॉइंट आउट अब फ्रैंक यही बात करते हैं कि जो कैपिटलिज्म है led by the core countries it is किस तरह से इनसे रॉ मटेरियल चीपर दाम पे खरीद के इनको बहुत हाई प्राइस पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेच के एंड जितना भी सरप्लस बचता है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ह्यूज होते जाते हैं रॉ मटेरियल इज गेटिंग चीपर एंड चीपर जो कि इन पेरीफरल कंट्री से आ रहा है और मार्केट इज गेटिंग बिगर एंड बिगर बिकॉज हम चार्ज कर रहे हैं एज वी विश बिकॉज इन बेचारे के पेरेफरल कंट्रीज के पास तो ये लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही नहीं है और ये पूरा जो सरप्लस अक्यूमुलेट हो रहा है ये एक्सप्रोप्रिएट कौन करता है जो आपकी मेट्रोपॉलिटन जो आपकी कोर कंट्रीज है ये पैसा जा रहा है सारा इनके पास तो फ्रैंक कहते हैं ऐसी ही एक एक पूरी एक्सप्लोइटेटिव चेन बन गई है इन दी इंटायर वर्ल्ड जहां पे देर आर न्यूमरस मेट्रोपोलिस एंड न्यूमरस सैटेलाइट्स ठीक है कैस कौन कौन सी न्यूमरस मेट्रोपोलिस एंड न्यूमरस सैटेलाइट्स तो आप इमेजिन करो ये कोर कंट्री है जो आपकी मेट्रोपोलिटन हो गई ठीक है मेट्रोपोलिटन क्या है आपकी यूएसए हो गई ठीक है यहां पे इमेजिन करो पेरिफिल कंट्री के अंदर एशिया हो गया एशिया में इंडिया हो गई जो कि सैटेलाइट है ना विद इन इंडिया ऑल्सो ठीक है इंडिया के अंदर भी अंबानी जी हैं राइट यू हैव अंबानी यू हैव अडानी यू हैव टाटा

सेक्टर के अंदर पूरा फंसा लेबर है ये कौन है ये यहां पे इंटरनल एरिया के सैटेलाइट है ठीक है तो ये इंटरनल मेट्रोपोलिटन करते हैं इनको एक्सप्लॉयट ये जो फिर लार्जर सैटेलाइट कंट्री है इंडिया इनको कौन करता है इनको करता है यूएसए विच इज अ मेट्रोपोलिटन कंट्री एक्सप्लॉयट तो इस तरह की एक चेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बनके आ गई है ठीक है कि जहां पे वर्ल्ड मेट्रोपोलिस जो है जो कंट्रीज कोर कंट्रीज जो है वो इन सैटेलाइट कंट्रीज को एक्सप्लोय कर रही हैं एंड विद इन सैटेलाइट कंट्रीज ही टॉक्स ऑफ देंडा या फिर रूरल मर्चेंट्स जो कि हो सकते हैं राइट वो कंप्राइज ऑफ द पेजेंट द लेबर जो कि सैटेलाइट्स हैं टू द लोकल कमर्शियल मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स लाइक बॉम्बे बेंगलुरु हैदराबाद गुड़गांव दिल्ली सो ऑन सो फोर्थ ठीक है और ये जो रूरल मर्चेंट्स है तो इमेजिन करो यहाँ पे भी ये रूरल मर्चेंट कौन हो गए यहाँ पे भी एक बीच में डाल लीजिए बीच में भी आ गया आपका जो अड़ती है ठीक है तो अड़तिया हो रहा है इन बिग कॉर्पोरेट्स वाला एक्सप्लॉयट अड़तिया इन टर्न किस को एक्सप्लॉयट कर रहा है इन पेजेंट्स को ठीक है ये अड़तिया कौन है जो आपके मिडिल मैन होते हैं राइट ये कर रहे हैं आगे फार्मर्स को एक्सप्लॉयट तो ये चेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो चेन ऑफ मेट्रोपोलिटन एंड सैटेलाइट इस तरह से चलती रहती है ठीक है तो इसी के बारे में जो है फ्रैंक बात करते हैं फ्रैंक कहते हैं अब एक सैटेलाइट कंट्री अगर आप चाहते हैं कि ग्रो करे, इसका हाईएस्ट ग्रोथ रेट कब होगा सिर्फ जब इसका जो लिंक है टू कोर मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज वो सबसे वीक हो जाए तो फ्रैंक बेसिकली जो आज हम इतनी बात कर रहे हैं ना आत्मनिर्भरता की ऑक्सफोर्ड हिंदी डिक्शनरीज Word of the year in 2020, right? ये की बात कर रहे हैं, लिंकेज और आप अपना रिलेशनशिप विद मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज कम करते हैं उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है तो इंस्टेड ऑफ से गोइंग ऑन पाथ ऑफ एलपीजी फ्रेंक क्या बोल रहे है? रिवर्स करो ठीक है अपने आप को वापस खींचो फ्रॉम दिस वेब ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस व्हिच आर एक्सप्लोयटेटिव ठीक है हाउएवर फ्रैंक की भी ये थ्योरी जो है इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया है सबसे पहले क्रिटिसिज्म आया है कि फ्रैंक जो है ओवर एम्फिसाइज करते हैं एक तरह से जो वर्टिकल रिलेशनशिप है बिटवीन मेट्रोपॉलिटन एंड सैटेलाइट कंट्रीज ठीक है एंड इन टर्न जो हिस्टोरिकल टाइज हैं जिनके कारण इन्हें डिपेंडेंसीज बन गई वो उसके ऊपर ज़्यादा नजर नहीं डालते हैं राइट तो वॉट वो द कलोनियल रीजन जिनके कारण ये इवॉल्व हो गया हिस्टोरिकली क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पाई क्यों जो है सिर्फ एग्जाम्पल इंडिया के अंदर ये उतनी साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हो पाई एंड वो डिपेंडेंट हो गया ऑन कोर विच वॉज वेस्टर्न यूरोप राइट तो वो उनको जो है ये क्रिटिक्स बोलते एक्सप्लोर नहीं करते हैं साथ ही में विद रिगार्ड टू डिपेंडेंसी आल्सो मेजर जो है क्रिटिसिज्म आया था क्यों बिकॉज़ अगर हम फ्रैंक और बहुत सारे डिपेंडेंसी थ्योरिस का मॉडल देखें ना हम देखते हैं कि ये बड़ा एक स्टैटिक मॉडल है कि हमने इमेजिन कर लिया कि परपेचुअली ही फॉरएवर योर पेरीफेरी इज गोइंग टू स्टे एज़ एन एक्सप्लॉयटेटिव एक्सप्लॉयटेटेड एरिया एंड उसकी कभी ग्रोथ होगी ही नहीं होगी राइट इन व्हेन वी प्रैक्टिकल वर्ल्ड इसके न्यूली इंडस्ट्रियालाइज कंट्रीज या जिनको आप टाइगर इकोनोमीज भी बोलते हैं जो की एक्सपोर्ट लेड थी राइट सो योर कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया ताइवान हॉन्गक सिंगापुर जिन्होंने मेजर डेवलपमेंट की राइट सो नाउ A lot of scholars said आप इसको कैसे डिपेंडेंसी में फिट करोगे साथ ही में एक और जो मेजर इश्यू आता है इस फ्रैंक जो है बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो फंडामेंटल कॉन्ट्रोडिक्शन एग्जिस्ट करती है इन दी सोसाइटी जो कि सर्क्यूलेशन से निकल के आ रही है राधा देन प्रोडक्शन सो बेसिकली सर्कुलेशन हो रही है रॉ मटेरियल जा रहा है उनको मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनको और इस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है ये काम कर रहा है वो बोलते हैं सिर्फ सर्कुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है अब आपको ये भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि अगर आप इतनी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हो आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज करो द रूट ऑफ ऑटार की या आत्मनिर्भरता इनफैक्ट इंडिया भी कर रहा था है ना इंडिया ने भी नाइनटीन नाइनटीज में जाके ये खोला तब भी वहां पे क्यों नहीं हुई डेवलपमेंट तब भी जो है वो अपने जो है एक हाई पॉइंट को क्यों नहीं पहुंच पाए आप इसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं ढंग से ठीक है तो ये सारे क्रिटिसिज्म्स जो है ए जी फ्रैंक की थ्योरी के अगेंस्ट लेवल किए गए थे